2024 में मोदी जी जीतने वाले हैं, क्या उनकी कुंडली कहती है, क्या उनका भविष्य कहता है? बिल्कुल, मैं बहुत ही छोटे में इसको सम करना चाहूंगी और मैं ये बताना चाहूंगी कि इनकी जो अभी की दशा है और 2024 तक की जो दशा रहने वाली है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। बस एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि जब 2019 के चुनाव हुए थे तब भी हमने देखा था कि विपक्ष ने बहुत कोशिश करी थी कि हम एकजुट हो जाएं, किसी न किसी तरीके से इनको हरा दें। उस समय की अगर हम दशा की बात करते हैं तो तब इनकी दशा जो बनती थी वो थी चंद्रमा में शुक्र की दशा। चंद्रमा इनके लग्न में स्थित है और जो शुक्र है वो इनके दशम भाव में प्लेस्ड है और सेवंथ हाउस के स्वामी है। सेवंथ हाउस से हम पब्लिक सपोर्ट देखते हैं। बिल्कुल, तो हम ये देख पाए थे कि इनका व्यक्तित्व इतना स्ट्रॉन्ग था कि पब्लिक सपोर्ट इनको मिली और साथ में दशम भाव में ऑपोजिशन में कहीं ना कहीं टूट पड़ी, फूट पड़ी और ऐसा हुआ कि जितने भी वोट्स थे वो मोदी जी की तरफ आ गए। इस बारी की अगर हम करंट दशा की बात करते हैं तो उसमें मंगल और शनि की दशा है, मंगल की महादशा, शनि की अंतरदशा। मंगल किसे उनके लग्न में ही स्थित है, यानी कि व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनालिटी में, उनके कैरेक्टर में उतना ही दम, उतना ही तेज, उतना ही रौब है। और साथ में अगर हम अब शनि की तरफ चले जाते हैं तो फिर से शनि दशम भाव में प्लेस्ड है, शुक्र के साथ प्लेस्ड है और शुक्र सप्तम के ही स्वामी है, यानी कि काफी हद तक इनको यहाँ पे पब्लिक की सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है, ऑपोजिशन को कहीं ना कहीं फिर से दबाते हुए ये दिख रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा, क्या 2024 में जीतेंगे? बिल्कुल, फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाता है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ महादशा और अंतरदशा पर सीमित है। लेकिन जिस समय चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे, उस समय का गोचर, ट्रांजिट और प्रत्यंत्र दशा, ये दोनों देखना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उन ग्रहों की, उन नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहने वाला है। यानी कि आप कह रहे हैं कि उस वक्त की प्रत्यंतर दशा, ग्रह दशा ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल, और वो उस वक्त ज्यादा पता लगेगी। लेकिन एक फलसफा ये निकला है कि मोदी जी का जो आने वाला भविष्य है वो भी तेज और दस्त से भरा है और जीत के कहीं ना कहीं आसार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथी।